ने क्या कहा था? सबसे पहले इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन दी थी। जरा इसकी शक्ल देख लो हीरो की, एकदम अंग्रेज की औलाद लगता है। आप लोगों ने अगर पायरेट्स ऑफ करेबियन देखा है तो उसमें ऐसी शक्ल के आपने जरूर अंग्रेज देखे होंगे। पायरेट्स ऑफ करेबियन देखा है, इंग्लिश मूवी है हॉलीवुड की, आप देख लो ऐसे अंग्रेज पैदा हो। मैं तो सोचता था करेक्टर ना फिक्टिशियस है, लेकिन इस अंग्रेज को देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि पायरेट्स ऑफ करेबियन में अंग्रेज बिल्कुल सही दिखाए हैं। सो फाइनली ये है पायरेट्स ऑफ करेबियन का वो अंग्रेज जिसका नाम है वर्जीलियस। पर इसने जो बात कही बड़ी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन बाद में वो बात गलत निकली। बट हां, उसने कहा था, क्या कहा? नेचर्स मिस्टीरियस फोर्सेस विच ऑपरेट्स ऑन प्लांट एंड एनिमल्स एंड दे प्रोड्यूसेस द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये पहला बंदा था जिसने कहा कि जो मिस्टीरियस पावर्स है नेचर की, समझ में आता है, उसके थ्रू क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स ये पैदा हुए हैं। यस भाई, प्लांट कैसे पैदा होता है? नेचर की वजह से, प्रकृति की वजह से प्लांट पैदा हुए हैं। एनिमल्स ये सब कहां से पैदा हुआ? प्रकृति की वजह से पैदा हुए हैं। मिस्टीरियस पावर है, हमें भी नहीं पता। तुम्हें पता है क्या, तुम्हारी गली के बाहर एक पौधा अचानक से जमीन से बाहर निकल जाता है जमीन को काटते हुए? नहीं पता। ये मिस्टीरियस पावर है, ऊपर वाला है जिसने ये सारी चीजें बनाई हैं, हमारे से पहले बनाई हैं। पेड़ पौधे हमसे भी पहले हैं, आ रहा है समझ में? सो वो कहता है कि प्लांट और एनिमल के थ्रू जो हमें कंपाउंड मिलते हैं, जो कि नेचर के मिस्टीरियस फोर्सेस की वजह से पैदा हुए हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ध्यान से समझना, पहला बंदा था जिसने कहा कि आपको प्लांट और एनिमल से जो कंपाउंड मिलते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इसी को हम लोग वर्जीलियस की हाइपोथेसिस कहते हैं, वर्जीलियस की हाइपोथेसिस। हिस्ट्री को पढ़ेंगे, ध्यान से ध्यान रखना। अब आगे एक और स्टेटमेंट लिखता है, जरा आप उसको पढ़ो। सिंस दीज फोर्सेस कांट बी आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कांट बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। कहते हैं कि ये जितने भी आपके पास फोर्सेस है ना, आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आर्टिफिशियल प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। अब यहां से इस बंदे ने गलती कर दी, यहां से स्टेटमेंट हो गई गलत। ये कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप आर्टिफिशियली प्रिपेयर ही नहीं कर सकते, गलत बात बोल दी उसने। पहले तक तो ठीक था कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से मिलते हैं, प्लांट से, एनिमल से, जो कि मिस्टीरियस पावर्स ऑफ फोर्सेस की वजह से पैदा हुए हैं, वर्जीलियस की हाइपोथेसिस इसको कहती है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत बोल गया वो। लेकिन उसने बोला क्या, कहा कि क्योंकि ये पावर्स जो हैं ये आर्टिफिशियल नहीं है, तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग आर्टिफिशियल प्रिपेयर कर ही नहीं सकते। गलत बोल गया वो। कैसे, मैं आपको बताता हूं। इस वर्जीलियस की हाइपोथेसिस को तोड़ा किसने? इस वर्जीलियस की हाइपोथेसिस को तोड़ा वोलर के सिंथेसिस ने। नाम लिखो, वोलर सिंथेसिस, वोलर सिंथेसिस। ये पहला बंदा था जिसने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया था, पहला बंदा था जिसने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया था। और यूरिया आपका फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वॉलर्स के सिंथेसिस में उसने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया था। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला लिख लो, NH4 साइनेट लगा हुआ है, जरा आप चेक कर लेना, NCO, NH4NCO, जरा आप चेक कर लेना, दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, अमोनियम साइनेट NH4NCO, इससे उसने सिंथेसाइज किया था किसको, यूरिया को। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2, ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूरिया, ये यूरिया का फॉर्मूला है। इज दिस क्लियर, सबको समझ में आ गया? सो वोलर्स पहला इंसान था जिसने आर्टिफिशियली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था, ओके। सो दिस इज आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिख लो, आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड पहली बार अगर किसी ने बनाया था तो वो था ये वोलर्स। सबको क्लियर है? वोलर्स, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। कोई कह रहा है इसकी शक्ल देख के कि वो स्टूडेंट है क्या यार, पतला है, इसका मतलब थोड़ी स्टूडेंट होगा, है ना? और ये अंग्रेज की औलाद भी आपने पायरेट्स ऑफ करेबियन में जरूर देखी होगी, ऐसी शक्लें पायरेट्स ऑफ करेबियन में दिखी हैं। सो फाइनली जरा आप चेक करना, नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। 1828 में फ्रेंडरिच वॉलर डिस्क्राइब कन्वर्जन ऑफ अमोनियम साइनेट टू यूरिया। पहली बार किसी ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया और यह पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया था। द यूरिया हेयर वॉज एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट वोलर सिंथेसाइज। इज दिस क्लियर? नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। पहला आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट्स रियली कूल। तो हमें हिस्ट्री समझ में आ गई,
हमें हिस्ट्री में क्या समझ में आया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, लेकिन उसे हम आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सबको समझ में आया।